YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। महिला को समाज में समान सम्मान को लेकर लोगों को जागरूक करना और महिलाओं की शक्ति को लोगों के सामने लाना महिला दिवस की यही खास बातचीत है। गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में सभी महिलाओं ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर गुरुग्राम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं की ओर से समाज में अपना नाम रोशन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया, साथ ही लोगों को महिला सशक्तिकरण को लेकर जागरूक किया गया। इस मंच के जरिए ये भी कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश में बड़ी बातें की जाती है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार से सवाल न करके खुद से सवाल करने की भी जरूरत है। वहीं महिलाओं ने एकजुट होने को लेकर भी संदेश दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया, लेकिन आज बेटियां हर एक क्षेत्र में सबसे आगे हैं। अब योजना बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ अभियान शुरू करने की है, ताकि माता पिता अपने बेटों को भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ा सके। आप अपनी बेटियों से ज्यादा बेटों की परवरिश पर ध्यान दें और बेटों को भी उतना ही सेंसिटाइज करें जितना बेटियां हैं। बेटियां तो ऑलरेडी सेंसिटाइज होती हैं और पूरे विश्व में बेटियों को हम सेफ्टी और सुरक्षा प्रदान करें, ये हम सब की सामाजिक जिम्मेदारी है। इसमें केवल हम हर बात पे सरकार से ही नहीं सवाल करें, हम खुद से भी सवाल करें और हम खुद भी सोसाइटी में एक अच्छी सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दें, अपनी हेल्प दें और सभी महिलाओं का सम्मान करें और सभी बेटों को भी वैसा ही पैरेलल चलाएं जितना हम बेटियों के लिए चलाते हैं। मुझे लगता है कि अब बेटियों को तो बहुत सुरक्षा मिल गई है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को बेटे बचाओ अभियान चलाना पड़े, इसलिए बैलेंस सोसाइटी की जरूरत है। उन्हें स्कूल में अपनी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए और यहाँ हर स्कूल में महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग अनिवार्य कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे वो अपने आप को खुद मुश्किल के समय में बचा सकती हैं और अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हैं। लड़कियों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ हमें अपने बेटों को भी शिक्षित करना चाहिए कि वो औरतों का सम्मान करें, अपनी माँ बहन की जिस तरह से इज्जत करता है बाहर, उसी तरह दूसरी लड़कियों की भी इज्जत करे। गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में मेरी बेटी असुरक्षित जिम्मेदार कौन, इस विचार के तहत गुरुग्राम की महिलाओं को संदेश दिया गया। इस विचार के पीछे सरकार, प्रशासन, शिक्षा, सोसाइटी या हम खुद जिम्मेदार हैं, इसको लेकर मंथन करने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने अपनी एकजुटता को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि महिलाएं आपस में एक दूसरे को लेकर प्रेम भाव से रहे, नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्षद सीमा पाहुजा ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं को सरकार पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, उन्हें खुद अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। मैं अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो हर चीज में आगे आए। नारी शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है कि उसको उस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि वो एक टाइम में दुर्गा भी है और एक टाइम में काली भी। सरकार का बोलते हैं अभी से हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा है, हमें आए दिन ऐसी कोई खबर मिलती है। हम बड़ों को तो छोड़ रहे, छोटी छोटी बच्चियों को ही नहीं छोड़ते लोग, कहीं ना कहीं तो सरकार भी जिम्मेवार है। तो अब हम जहाँ तक है हम सरकार पर डिपेंड क्यों रहे, हम ये उम्मीद क्यों करें कि जैसे सतयुग में राम ने रावण पर विजय प्राप्त करी थी, उसको एक सजा दी थी, अब जरूरत है हमें ही इस पर कुछ कार्य करने की। कम से कम एक दिन महिला अपने लिए टाइम निकाले, अपनी वर्थ को समझे, अपने आप को सशक्त करे और महिला शक्ति इकट्ठी होए। जब महिला शक्ति एकत्र होती है, एक जगह पर इकट्ठी होती है, तो अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में महिला शक्ति को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया गया, साथ ही महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पहल की तारीफ की गई। आज के समाज में बेटी और बेटों में अंतर नहीं है, इस प्रथा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। गुरुग्राम से खबरें अभी तक के लिए गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।
एक तरफ तो बेटियों की सुरक्षा की बात की जा रही है, बेटियों को बढ़ावा देने की, बेटियों को पढ़ाने की बात की जा रही है, तो वहीं गुरुग्राम में नाबालिग के साथ हो रहे अत्याचारों पर रोकथाम नहीं लग पा रही है। पुलिस के दावों की परवाह ना करते हुए एक व्यक्ति ने एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस के मुताबिक नाबालिग अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसी दौरान एक पड़ोस के व्यक्ति ने बहला फुसलाकर खाली जगह पर ले जाकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन दावों का क्या हुआ जिसमें खट्टर सरकार महिला अपराध पर रोक लगाने की बात कर रही थी।